देखिए, देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सेम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके द्वारा भी इन सब चीजों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ही करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सेम पेद्रोदा ने कांग्रेस की उसी मनसा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। इसलिए सेम पेत्रोदा की बात वही है जो पी चिदंबरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। कर्नाटका में देखा जा रहा है कि 32% ओबीसी रिजर्वेशन के कुछ मामले देखने में आए, जिसमें मुस्लिम्स की कई सभी ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद, उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि दलितों को भी, यानी जो जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मुसलमान, उन लोगों को भी दलित का एक हिस्सा, मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसको दलित का पार्ट बनाया जाए, दलित को मिलने, दलितों को मिलने वाले जो सुविधाएं उसके अनुसार भी उनको ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो चाहे वह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय रहे हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये एससी ओबीसी SC ST के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का
प्रयास था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये तो ये अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में ये लोग लूट करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीजें क्या है, ये सच उजागर होने हो रहा है। और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पैत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं, जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं, वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं, और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। तो इन दोनों के प्रति देश को सतर्क रहना होगा, आम जनमानस को सतर्क रहना होगा, और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के इन मंसूबों को पूरी तरह खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का अपना सही उपयोग करना होगा।